हरियाणा चुनाव परिणाम आने से ठीक दो दिन पहले से ही दिल्ली में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा डेरा डाले बैठे थे। दोनों में से कोई भी चुनाव परिणाम के साथ अपनी दावेदारी ठोकने में देर करने के मूड में नहीं था। चुनाव परिणाम का दिन आया, शुरू में कांग्रेस ने बढ़त बनाई। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की इस बढ़त को देखते हुए कांग्रेस के दफ्तरों में ढोलबाजी आतिशबाजी होने लगी। जैसे जैसे दिन चढ़ा कांग्रेस पिछड़ती गई, इतना पिछड़ी कि दोबारा फिर आगे बढ़त नहीं बना पाई। धीरे धीरे नतीजे भी सामने आने लगे। आलम यह हुआ कि कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया। हार का जिम्मा, हार का ठीकरा कौन ले, एक दूसरे पर ठीकरे फोड़े जाने लगे। फिर बात धीरे धीरे यह निकल के सामने आई कि हरियाणा में भी राजस्थान वाला हाल हुआ। हरियाणा में कांग्रेस को राजस्थान वाले पायलट और अशोक गहलोत, जिनका नाम दिया जाता है बार बार, तो हरियाणा के गहलोत और पायलट ने कांग्रेस को हरा दिया। क्या है पूरी कहानी, आपको इस वीडियो में समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। राजस्थान में लंबे समय तक कांग्रेस जब सत्ता पर काबिज रही और जब सत्ता से बाहर रही, दोनों ही समय में खेमेबाजी की शिकार होती रही। इसमें दो खेमे वहां साफ नजर आ रहे थे। एक था पार्टी के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी अशोक गहलोत का खेमा, तो दूसरा कांग्रेस के युवा नेतृत्व के सबसे प्रचलित चेहरे सचिन पायलट का खेमा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जब बनने वाली थी तो सचिन पायलट को लग रहा था कि शायद कांग्रेस आला कमान उनकी राजस्थान चुनाव में मेहनत की मुरीद होगी और उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन पार्टी में जादूगर के नाम पर जाने जाने वाले अशोक गहलोत ने सचिन के हाथ से सत्ता पर काबिज होने वाली बाजी छीन ली। थोड़े दिन बाद सचिन पायलट नाराज हुए तो फिर अशोक गहलोत पार्टी आला कमान को अपने पक्ष में समझाने में कामयाब हुए और एक बार फिर सचिन पायलट को ही झुकना पड़ा। फिर राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय भी गहलोत और पायलट के बीच मतभेद देखने को मिले, लेकिन पार्टी बताती रही कि दोनों नेताओं के बीच किस किस्म का मतभेद नहीं है और पार्टी एकजुट है। ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान के साथ नजदीकियां तो बढ़ाते रहे, लेकिन पार्टी के भीतर सारी बातें अशोक गहलोत की ही मानी जाती रही। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा सचिन पायलट पर बना रहा, वहीं अशोक गहलोत नंबर पाने के मामले में सबसे ऊपर रहे। पार्टी ने पायलट को स्टार प्रचारक बनाकर हरियाणा भेजा। इससे साफ पता चल रहा था कि कांग्रेस का भरोसा उनके राजनीतिक कुशलता पर बरकरार है। पायलट ने भी यहां करीब 20 से ज्यादा रैलियां की और पार्टी के फैसले का पूरा सम्मान किया, लेकिन हरियाणा में भी पार्टी के भीतर राजस्थान वाला अंतर्कलह साफ नजर आ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि हरियाणा के नतीजे आए लेकिन बात हम राजस्थान की कर रहे हैं, तो किसी भी परिप्रेक्ष को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, नतीजे बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेंगे। हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो सचिन पायलट के योगदान को इस बीच सराहते रहे और कहते भी रहे कि मुझे लगता है कि यहां कांग्रेस जीतने जा रही है। इस जीत में एक बहुत बड़ा योगदान सचिन पायलट का भी रहा। इधर पायलट कैंप के लोग भी उत्साहित थे कि अगर हरियाणा में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी तो इसका इनाम सचिन को जरूर मिलेगा। वैसे एक और बात रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी पायलट की नजर रही है। ऐसे में उनके समर्थक सोच रहे थे कि अगर पायलट हरियाणा में कांग्रेस को जीत दिलाने में कामयाब रहे तो पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंचने के लिए उनका रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। सचिन पायलट ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से उनके साथ हुआ था, कुछ वैसा ही हरियाणा में कुमारी शैलजा के साथ भी हुआ। हरियाणा के चुनाव में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला तक सीएम बनने की इच्छा जाहिर करते रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो बार इस राज्य के सीएम रह चुके हैं और तीसरी बार के लिए वे अपनी फील्डिंग सजा कर बैठे थे। दलित और महिला कार्ड खेलकर और साथ ही पार्टी आला कमान से नजदीकी बढ़ाकर कुमारी शैलजा सीएम की कुर्सी पर नजर टिकाए हुए थी। ऐसे में चुनाव परिणाम से पहले ही कांग्रेस के भीतर घमासान हरियाणा में शुरू हो गया था। चुनाव परिणाम आने से ठीक दो दिन पहले से ही दिल्ली में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा डेरा डाले हुए बैठे थे। दोनों में से कोई भी चुनाव परिणाम के साथ अपनी दावेदारी ठोकने में देर करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि कांग्रेस के अंतर्कलह और आम आदमी पार्टी की वहां के चुनाव में एंट्री ने पार्टी का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया और भाजपा एक बार फिर हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीएम पद को लेकर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि पार्टी भले ही बिना चेहरे के चुनाव मैदान में कहीं भी उतरी हो, लेकिन जिसकी अगुवाई में प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, अंततः सरकार बनने की स्थिति में उसे ही सीएम की कुर्सी सौंपी गई। ऐसे में कुमारी शैलजा को लग गया था कि कहीं राजस्थान की तरह ही हरियाणा में भी सरकार गठन के साथ उन्हें ड्राइविंग सीट के बजाय बैक सीट पर न बैठना पड़ जाए। हालांकि अब इस लड़ाई का प्रदेश में कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि कांग्रेस के अंतर्कलह ने उसे सत्ता तक पहुंचने ही नहीं दिया। गौर करें तो कुमारी शैलजा कांग्रेस का दलित चेहरा है, 5 बार की सांसद है, सोनिया गांधी की बेहद करीबी भी मानी जाती है और इसके साथ ही
राहुल गांधी जिस तरह से सामाजिक न्याय के एजेंडे को लेकर आजकल आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगने लगा था कि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासी सफर और सीएम की कुर्सी पर कुमारी शैलजा भारी न पड़ जाए। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, कांग्रेस की अंतर्कलह ने उसे हरियाणा में ले डाला। क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी बैलेंस करने के चक्कर में इस चुनाव को हार गए? क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से ईवीएम का ठीकरा फोड़ रही वो सही नहीं है, बल्कि इसकी वजह तो उसका आपसी बंटवारा है, आपसी अंतर्कलह है, अंदर खाने में जो चिटपट मची हुई थी वो वजह है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस चुनाव को आपने कैसे देखा, इसके नतीजों को कैसे देखा, और उसके बाद अब कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।